जहाँ पे कुछ ऐसा बोला जाता है कि जो नाक घिसता खुद वो दूसरों को बोलता है शेमड़े करके तो मैं फूल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो खुद नाक घिसता है तो ये वाली लाइन आपको पता ही है तो स्टैन हमेशा गैंग सैन करते इवन बेला ने भी यही कहा था कि पूरे दस गाने सेम है करके आधी रात को कॉल करके क्या बोली गई थी तो नेक्स्ट लाइन आती है ना गर्दी या वर्दी का फर्क तो ये वाला लाइन भी एम्स्टैन को बोला गया है क्यूँकी स्टैन का गाना आया था तो कैसे मेरे भाई लोग तो आज कोई हिप हॉप अपडेट नहीं होगी आज होगा एमस्टैन पे जो शॉर्ट लिया गया है एम टीवी हसल के रैपर ने तो एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगा क्यों शॉर्ट लिया है क्यों करा है फुल एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो एंड तक देखते रहना और चैनल तो को सब्सक्राइब कर, कर लेना तो 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 सबसे पहले नाइन नाइन साइड ने कुछ लाइन बोलता है जहाँ पे कुछ ऐसा कहा जाता है की बनने देख कितने यहाँ गेम है सारे रैपर साउंड होते वाली लाइन स्टैंड को कहा गया है मेरे हिसाब से क्यूँकी जब इंसान एल्बम आया था तब इंसान को ऐसा बोला गया था की गाने सेम साउंड कर रहे हैं इवन बेला ने भी यही कहा था कि पूरे दस गाने सेम है करके आधी रात को कॉल करके कि अरे बहन तरह पैसा कम है, एमसी स्टैंड की तरह एमसी ने क्या कर लिया एक एल्बम निकाल के जिसमें दस गाने सेम है फिर एक लाइन आती है जहां पे कुछ ऐसा बोला जाता है कि जो ना घिसता खुद वो दूसरों को बोलता है शेमड़े करके तो इस लाइन का भी मैं फुल आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जो खुद घिसता है करके तो ये वाली लाइन आपको पता ही है तो स्टैन हमेशा गैंग सैन करते टाइम एक ऐसे ना घिसता है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो आपने बहुत वीडियो में एम स्टैन को ऐसे ना घिसते हुए देखा होगा तो ये वाली लाइन बोली गई है एमसी स्टैन को और दूसरी जो लाइन आती है वही दूसरों को बोलता है शेमडे करके एमसिस्टैन को आपने बिग बॉस में देखा होगा हमेशा शेमड़े शेमड़े करता रहता था एम गलत है गलत सही तू बिग बॉस है क्या तो यही वाली लाइन एम्सटैन को फिर से बोली गई तो नेक्स्ट लाइन फिर से एक आती है जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि एलियन रैपरों के लिए भाई तेरा बेंटेन तो आपको पता ही होगा बेंटेन वॉच में एलियन का सीन रहता है फिर बेंटेन वॉच में से एलियन बन जाता है तो ये वाली लाइन इसको बोली गई थी क्योंकि एम्सटेन के हाथ पर भी एलियन का टैटू है और जब इमे बंटा ने डिस करा था एम्सटैन को तो एलियन के शक्ल के बोला गया था एम्सटैन को उसके बाद एम्सटैन को बहुत जन एलियन भी बोलते थे और स्टैन को पर्सनली एलियन बहुत ज्यादा पसंद है एलियन जैसे एलियन पसंद है मेरे को तो बहुत मेरे को वो लोग बहुत हार्ड लगते हैं एलियन पब्लिक जादू जादू <laughs> जा, जादू अगर ऐसा कोई एक आधा एलियन दिख गया मिल गया क्या बोल यार मिला तो बहुत मजा आएगा मामू इसके साथ चिलीज करने तो इसलिए वो वाली लाइन बोली गई थी तो नेक्स्ट लाइन आती है ना गर्दी या वर्दी का फर्क तो ये वाला लाइन भी एम स्टैन को बोला गया है क्यूँकी स्टैन का गाना आया था हाथ वर्दी वहाँ पर स्टैन ने कहा था तो गर्दी में चलता तो दिखता नहीं मैं गर्दी में चलता तो दिखता चलते तो दिखते नहीं मैं गर्दी में चलता तो दिखता लाइन तो का, का रिप्लाई करते हुए एमस्टन को ऐसा कहा गया था की ना गर्दी ना वर्दी का फर्क बोला गया था फिर एक ऐसी लाइन आती है जहाँ पे कहा जाता है की सामान है धाड़ तो सीधा खोल देंगे मेनी मेन विश मी शायद ये राइम्स के लिए क्या गया होगा क्यूँकी पर ये स्टैंड के लिए शॉर्ट नहीं थे बस जितने लाइन मैंने आपको बताया था वो सिर्फ स्टैंड के लिए शॉर्ट लिया गया था यानी कि रिस करा गया था जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था वहाँ पर क्योंकि एमटीवी हसल ने जो 99 साइड के जो पोस्ट करा था वहाँ पे सिर्फ एमस्टन के फैंस ने कमेंट करा है इवन बहुत सारे हेट मिल रहा है 99 साइड को इवन इक्का और रफ्तार भाई को भी बोला जा रहा है कि इन्होंने नजरअंदाज कैसे क्या कर लिया क्योंकि एम्स टैन को शॉट लिया गया है करके क्योंकि रफ्तार और इक्का जिगरी दोस्त थे उसके वजह से फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा था सिर्फ एंजॉय कर रहे थे जब रैप चालू था वहां पे तब तो देखते हैं आगे क्या होता है अगर कोई भी अपडेट मिल जाएगी इसके खिलाफ तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा आपको भी एम्स टैन के बारे में और डेली हिप हॉप अपडेट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय और टेक केयर